नमस्कार दोस्तों, देवभूमि यात्रा में आपका स्वागत है। मैं उदय। भैरवगढ़ी बाउनगढ़ों में एक गढ़ जिसकी तलहटी पर एक छोटा सा गांव बसा है, गुम गांव। बहुत रमणीक स्थान है, बिल्कुल रोड के नज़दीक है। लेकिन पहले इसमें पानी की बहुत दिक्कत हुआ करती थी, लेकिन जब से भैरवगढ़ी पंपिंग योजना बनी तब से यहां पानी की पूरी व्यवस्था है। और इसी के साथ एक मार्केट जुड़ी हुई है गुमखाल, जिसमें पहाड़ी दालें, सीजनी मौसमी काफल की अच्छी बिक्री होती है। और इसी के बगल में हमने एक होटल खोला है, सद्भावना होटल, जिसमें बाहर से पर्यटक आते हैं। लेकिन पर्यटकों के लिए यहाँ उतनी घूमने लायक व्यवस्था नहीं है। अगर ये ट्रॉली लग जाए भैरवगढ़ी में तो काफ़ी बाहर का टूरिस्ट यहाँ आ सकता है और होटलों में क्षेत्रीय लोगों को काफ़ी रोज़गार मिलेगा। हमारे मुख्यमंत्री धामी जी जो काफ़ी जुझारू लग रहे हैं क्षेत्र के लिए, उम्मीद है कि पूरा काम करेंगे। लेकिन जो हमारी योजनाएं अधूरी पड़ी हैं, अगर इन पे गौर करेंगे तो काफी टूरिस्ट यहां आ सकता है। नमस्कार, मैं आशीष रावत, यहाँ पे गुमखाल देवभूमि उत्तराखंड में गुमखाल नाम का एक मार्केट है, वहीं पे मेरा यहाँ पे एक होटल है, सद्भावना होटल। और होटल के साथ साथ हमने यहाँ पे वेडिंग पॉइंट, सद्भावना वेडिंग पॉइंट भी खोला हुआ है, जिससे यहाँ स्थानीय लोगों को काफ़ी सुविधा होती है। अब जैसे कि हम देखते हैं कि आजकल गाँव में ना लोग आते हैं काम के लिए, ना गाँव में जगह होती है, ना लोगों के पास इतने कमरे हैं कि अपने मेहमानों को हम रुकवा सकें। तो उन्हीं की सुविधा के मद्देनज़र रखते हुए हमने यहाँ पे वेडिंग पॉइंट का व्यवसाय खोला हुआ है। आइए मैं आपको अपने वेडिंग पॉइंट दिखा देता हूँ कि जो भी आपके चैनल के माध्यम से जो लोग देख रहे हैं उनको भी इस बारे में पता चले कि आपके क्षेत्र में, आपके गुमखाल में एक वेडिंग पॉइंट है। आप यहाँ आइए, आपका स्वागत है।
और आप यहाँ अपने बच्चों की, अपने रिश्तेदारों की शादी बहुत अच्छे तरीके से करवा सकते हैं। मैं आपको ज़रूर अपना वेडिंग पॉइंट, आइए मैं आपको अपना होटल और वेडिंग पॉइंट दोनों चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, तो आप ज़रूर डिटेल्स में इस पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ से रोड से बस देखिए आप 10 कदम के बाद होटल शुरू हो जाता है हमारा, तो यहाँ से आप नीचे उतरेंगे जो है होटल यहाँ से स्टार्टिंग हो जाता है। ये पूरा जो देख रहे हैं ये पूरा होटल है, ये 4 मंजिला होटल है, इसमें 20-22 कमरे हैं जो टूरिस्टों के लिए भी प्लस शादी के टाइम पे जो शादी वाले लोग होते हैं उनके लिए यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे जो ये मैंने आपको बताया ये 4 मंजिला है, तो ये सबसे टॉप फ्लोर है, रोड से आते हुए आप सबसे टॉप फ्लोर पे पहुँचेंगे। आइए मैं आपको एक बार रूम्स भी दिखा देता हूँ, और आगे से जो रूम्स का व्यू है वो बहुत अच्छा है, जो टूरिस्टों को बहुत पसंद आता है। यहाँ से सनसेट पॉइंट बहुत अच्छा है, मतलब यहाँ जो भी लोग रुकते हैं वो सनसेट पॉइंट को मतलब बहुत सराहना करते हैं कि यहाँ बराबर सनसेट पॉइंट कहीं नहीं दिखेगा आपको, बहुत कम जगहों से ऐसे क्लियर सनसेट पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पूरा व्यू आता है, अच्छा व्यू यहाँ से आता है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, सर्दियों के टाइम पे भी कोहरा बिल्कुल आपके पैरों के नीचे रहेगा, यहाँ पे बिल्कुल कोहरा जो है या बादल आप कह सकते हैं वो पैरों के नीचे से होता है, पूरी हरियाली रहती है हर टाइम, पूरे के पूरे 12 महीने यहाँ पे बहुत अच्छी हरियाली रहती है और प्रकृति का बहुत अच्छा नज़ारा देखने को मिलता है। आइए, और जो ये आप नीचे देख रहे हैं ये जो नीली चादरें लगी हुई है, इसके नीचे 3 फ्लोर है जिसमें पूरा वेडिंग पॉइंट का काम होता है, या जहाँ हम खड़े हैं ये होटल का काम होता है और यहाँ वेडिंग पॉइंट का नीचे काम होता है। तो जैसा कि आप अच्छे से देख पा रहे हैं कि जो होटल और वेडिंग पॉइंट है ये बिल्कुल प्रकृति के बीच में बसा हुआ है, यहाँ पे वैली है और 2 वैली के बीच में बसा हुआ है। यहाँ जो कहते हैं कि गर्मी होती है, यहाँ गर्मी का एहसास बिल्कुल नहीं होता, अगर गर्मी बाहर धूप है अगर आप छाँव में बैठ जाएंगे तो यहाँ बहुत अच्छी ठंडी हवा चलती है, चाहे दिन हो चाहे रात हो, इंसान को यहाँ मतलब जहाँ तक मैंने देखा बहुत कम यहाँ पंखों का यूज़ होता है, लोग कहते हैं एसी वगैरह, तो एसी का यूज़ तो मेरे हिसाब से आज तक यहाँ होता नहीं, बहुत सारे बड़े बड़े होटल्स भी हैं तो कहीं भी एसी कोई नहीं करता क्योंकि एसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, हल्के फुल्के पंखों की ज़रूरत कभी कभी दिन में पड़ जाती है, बाकी यहाँ जो नेचुरल हवा है, ठंडी हवा है, बहुत सादगी से यहाँ हवा आती है और बहुत ही हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी है। तो अभी हम आपको मैं होटल के कमरे दिखाना चाहूँगा ज़रूर, टीवी केबल और रूम सर्विस वगैरह, आगे आपने देख ही लिया है कि किस तरीके से बालकनी में बैठ के आप बिल्कुल प्रकृति के नज़ारे का लुत्फ़ उठा सकते हैं। और ये बाथरूम है, पूरी सुविधा बाथरूम में दी जाती है क्योंकि यहाँ ठंड काफ़ी ज़्यादा होती है, इसीलिए यहाँ सोलर वाटर सिस्टम हम यूज़ करते हैं, ठंडा गर्म पानी 24 घंटे आपको मिलेगा, इंग्लिश टॉयलेटरी, वॉश बेसिन और बिल्कुल क्लीन बाथरूम आपको देखने को मिलेगा। हर टाइम यहाँ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है हर कस्टमर को, क्योंकि सफाई और हाइजीन का बहुत ज़्यादा वो मुद्दा रहता है कि हाइजीन और सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान यहाँ पे हम होटल में देते हैं। सभी लोगों का स्वागत करता हूं कि आप यहां पे आइए स्टे के लिए, और जो है वेडिंग पॉइंट में सिर्फ लोकल ही नहीं आप बाहर से भी आते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि दिल्ली में काफ़ी गढ़वाली हमारे लोग बसे हुए हैं, तो आप यहां आइए, हम जो है शादी में आपको हर तरीके की सुविधा देते हैं, चाहे वह गढ़वाली व्यंजन हो या गढ़वाली वाद्य यंत्र, ढोल डम हो, मसुक बाजा वगैरह, वो सब कुछ हम यहाँ पर अरेंज करते हैं, पूरे गढ़वाली रीति रिवाज से हम यहाँ पर शादी सम्पन्न करवाते हैं, आपका तहे दिल से हम स्वागत करते हैं, आप कभी भी आइए और सेवा का अवसर जरूर दीजिएगा।
दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आगे भी मेरा YouTube चैनल देवभूमि यात्रा देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करें।